रात हो गई है, सो जा लल्ला सो जा। कहानी सुने बिना कैसे सो जाऊं मैया? जैसे तेरा दाऊ सो गया है। दाऊ की बात और। तू बहुत हठी हो गया है, मैया को बहुत सताने लगा है। मैया, तुम्हें मेरा सताना अच्छा नहीं लगता? मुझे तो तेरा सब कुछ अच्छा लगता है। उल्हाने सुनना भी? हाँ। मटकी फोड़ना भी? हाँ। माखन खाना भी? हाँ, लल्ला हाँ। तो कहानी सुनाओ ना मैया। अच्छा सुन। एक थे राजा। कहाँ के? कहीं के भी हो, तुसे क्या? तुसे कितनी बार कह चुकी हूँ कहानी के बीच मत चौंका कर, पर तू भला सुनने वाला है? अयोध्या के राजा थे, नाम था दशरथ। और कुछ बताऊं? नहीं मैया, मैं समझ गया। तीन रानियों से चार पुत्र थे राजा के, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे, पर भरत की माँ कैकेयी ने महाराज को पुराने वचनों की रस्सी में जकड़ लिया। राम ने पिता के वचन का मान रखा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए। राम को वनवास मिला और भरत को राजगद्दी, पर भरत कम मानने वाले थे, राम को मनाने वन में गए। राम न माने तो भरत तपस्या करने बैठ गए। वहां राम पंचवटी में ठहरे थे। सेवा करने के लिए छोटा भाई लखन साथ था और सीता सुकुमारी। एक दिन क्या हुआ कि एक राक्षस सोने के हिरण के रूप में कुटिया के सामने से निकला। सीता ने राम से कहा, मुझे तो ये हिरण चाहिए। राम जाते जाते लखन से कह गए कि तुम अपनी भाभी के पास रहना। ये सब तो लंकापति रावण का माया जाल था। दूर से राम की पुकार सुनाई दी। सीता तड़प उठी, बोली, लक्ष्मण जाओ, भाई की सहायता करो। लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए। ब्राह्मण के वेश में रावण भिक्षा मांगने आया और सीता को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ी। बस रेखा के पार होते ही रावण सीता को हर ले गया। सीता ने पुकारा, हे नाथ, हे नाथ। लक्ष्मण, कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा वाण? क्या हुआ लल्ला, क्या हुआ? अरे ऐसा काहे को करता है, सो जा। क्या हुआ यशोदा, काना क्यों चिल्ला रहा था? राम जाने क्यों, राम जी बनकर लक्ष्मण से धनुष वाण मांग रहा था रावण से जूझने के लिए। मैं तो डर ही गई थी। चल सो जा।